गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो एक्चुअल में मैथ्स का टॉपिक है और हमारे फिजिक्स में बहुत काम आएगा। तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था कि फिजिक्स में उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने एक दो एग्जाम्पल भी बताए थे वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले, ठीक है ना, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक। तो हम डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और उसमें हमने चार फॉर्मूले लिख लिए थे। आज हम बात करेंगे कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। उसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो पांचवा फॉर्मूला बोलो या टॉपिक बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। हमने फंक्शंस की भी बात करी थी लास्ट क्लास में कि पांच टाइप के फंक्शंस के हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस। अब एल्जेब्रिक फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं, x की पावर n वाले, उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। देखो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो है इसमें वो मैं लिखूंगा, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x है आपके पास, y इज अ फंक्शन ऑफ x ही मानते हैं अपन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैंने लिखा y इक्वल्स टू x टू द पावर n, y इक्वल्स टू x टू द पावर n। जैसे आपने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो किया था वो सिंपल फॉर्मूला था। अब मैं बोलूं कि y equals to x to the power n कुछ भी वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस कोई भी वैल्यू हो सकती है, कितनी भी पावर हो सकती है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना हो तो आपको बेटा हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, मुझे y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो लिखना dy/dx। अब हमारे पास फंक्शन तो x to the power n है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसकी जो पावर है वो हमेशा पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद x और पावर में से एक कम कर देंगे। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया जिसको मैं रट के रखूंगा हमेशा के लिए। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो तो उस केस में देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होगा, n पहले आ जाएगा, पावर में से एक कम कर देंगे, n x टू द पावर n माइनस में। अब जैसे हम इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है ना, हम फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, बुक में फॉर्मूला टाइप कुछ लिखा हुआ है, हम एग्जांपल मान लेते हैं। मैंने लिखा y इक्वल टू x स्क्वायर, जनरल लिखा y equals to x square, n की जगह कितना है 2, तो dy by dx क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 2 पहले आ गया, n की जगह 2 था तो 2 पहले लिख दिया, पावर एक कम कर दो 2 minus 1 means कितना हो गया 2x की पावर 2 minus 1 1 means इसको मैं लिख सकता हूँ 2x, ये मेरा क्या हो गया 2x, then differentiation of x square क्या आ गया आपके पास 2x, twice x, power पहले आ गई, power एक कम हो गई, ऐसे हम लिखेंगे। Next कुछ एग्जांपल और देखते हैं। मैंने लिखा सिंपल y equals to x और मुझे डिफरेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही कांसेप्ट, x इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं अपन, पावर में कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं, तो dy by dx 1 को आप पहले लिख दोगे, x की पावर 1 से कम कर दोगे 1 minus 1, x की पावर 0, मतलब आंसर आया 1 मल्टीप्लाई x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, देन dy by dx आपका क्या आ गया 1, x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, पावर 1 थी उस सिचुएशन में, आंसर 1 आया। हमेशा याद रखना अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना उसकी पावर 1 हो तो डिफरेंशिएशन उसका 1 होगा, क्लियर है। अब देखो कुछ एग्जांपल की और बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा y 5x क्यूब, इसके साथ मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाई लिया, फॉर्मूला नंबर 2 में क्या था, जब भी आपका एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट जिंदा रहेगा, जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो dy/dx equals to 5 एज इट इज, मुझे x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना होगा तो एक बार और लिख लेते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप यहां पे x की पावर n वाला फार्मूला यूज कर लोगे तो dy/dx आपके पास आ गया बेटा 5 एज इट इज, पावर इसकी पहले आ जाएगी मल्टीप्लाई 3, पावर में से एक कम कर देंगे 3 minus 1, तो आंसर आ गया 15x square। बहुत इजी होता है ये कांसेप्ट, देखो बहुत इजी होता है डिफरेंशिएशन वाला, और एक बार आप सॉल्व करोगे तो समझ आने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो और कुछ एग्जांपल करते हैं, छोटे-छोटे एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन, ये दोनों एग्जांपल क्लियर होंगे। मैंने लिखा y equals to 3x to the power minus 4, power minus 4 है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है dy by dx,
अभी अभी आपने सीखा कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, वेरिएबल के x टू द पावर -4 इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 एज इट इज, x की पावर -4 का डिफरेंशिएशन करना तो पावर पहले आ जाएगी, पावर विद साइन आएगी, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस का 4 पहले आ गया, फिर पावर में से एक कम करना, -4 -1 ये आंसर होगा, 4 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 माइनस का 12 x की पावर -4 -1 -5 यही आंसर -12 x की पावर -5 या -12 अपॉन x की पावर 5 लिख सकता हूं, अपॉन में भी ला सकता हूं मैं इसको, डिनोमिनेटर में ला सकता हूं न्यूमरेटर से, तो वैसे भी लिखूंगा, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 12 अपॉन x की पावर 5, दोनों आंसर सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगला एग्जांपल और देखो, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल करवा रहा हूं, y इक्वल टू मैंने लिखा केवल रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन बताओ, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा, रूट x का डिफरेंशिएशन सोचो कैसे करना होगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू x की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, अब n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/2, डिफरेंशिएशन बोलो dy by dx, पावर पहले आ जाएगी, 1/2 को पहले लिखा, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, कितना है आंसर 1/2 x की पावर 1 - 1 - 1 - 1/2 मींस आंसर को ये भी लिख सकते हैं 1/2, इसको मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को रूट x लिख सकता हूं 1/2 रूट x, ये एक तरह से फॉर्मूला भी होता है और हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फंक्शन आपके पास है x की पावर 1/2 डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। मैंने अगला एग्जांपल लिखा y इक्वल्स टू 1/√x का डिफरेंशिएशन बोलो, y इक्वल्स टू 1/√x इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले इसको सिंपलीफाई करना होगा क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं अपने पास, हम तो केवल एक अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हैं और उसी को यूज करके अपने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मैंने लिखा y = 1/√x, कैसे सिंपलीफाई करूं, मैं इसको लिखूं y = 1/x की पावर 1/2, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा पावर -1/2 हो जाएगी, y = x की पावर -1/2 और अब मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, y = x की पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = पावर पहले आ गई -1/2, पावर में से एक कम कर देंगे -1/2 -1 -1/2 -1 कितना हो गया -3/2, देन dy/dx = -1/2 x की पावर -3/2 और x की पावर -3/2 को क्या लिख लेंगे 1/(x^3/2) ठीक है, तो आंसर आ गया -1/(x^3/2) ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई -1/(x^3/2) ये आपका फाइनल आंसर आ गया ठीक है। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखो और कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, जनरल क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, कई बार क्या होता है वैसे इससे ज्यादा लेवल का अपने पास है ही नहीं फिजिक्स में, 11th 12th की फिजिक्स में ज्यादातर इसी टाइप के कोई डिफरेंशिएशन करने होंगे आपको, इससे ज्यादा नहीं। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन लिखा कि सपोज अब हम एग्जांपल फिजिक्स में चले जाते हैं, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है x = 5t² + 6t + 6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन दिस फार्मूला x इन टर्म्स ऑफ t 5t² + 6t + 6 मीटर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, देखो फिजिक्स में आ गया अपन, फिजिक्स में कैसे अपन डिफरेंशिएशन कर यूज करेंगे, x इक्वल टू ये गिवन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल t equals to 2 second, क्वेश्चन समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इंस्टेंट t पे आपको ये गिवन था, किसी इंस्टेंट t पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ये गिवन था,
और आपसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है t इक्वल्स टू 2 सेकंड, ठीक है? तो ध्यान से देख बेटा, जब आपसे वेलोसिटी पूछी है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी का फार्मूला हालांकि मैं सिखाऊंगा आपको एप्लीकेशन में आगे, dx / dt होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, dx / dt इक्वल्स टू वेलोसिटी, यही फार्मूला होगा। अब मुझे क्या करना है, x जो गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, मतलब x t का फंक्शन है, यहां पे x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो मुझे x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। फॉर्मूला हो गया v इक्वल्स टू d बाय dt, x की वैल्यू पुट कर लो 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 6। मुझे एक्चुअल में ये जो t का फंक्शन गिवन है x, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें तीन वैल्यू है तो तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो v को लिखा जाएगा बेटा d by dt 5t square plus d by dt 6t plus d by dt 6। अब ध्यान से देख, सबका डिफरेंशिएशन कर लो, v equals to 5t square का डिफरेंशिएशन, 5 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, t square का डिफरेंशिएशन, पावर पहले आ जाएगी 2t, पावर पहले आ गई, पावर एक कम हो गई, तो 5 multiply 2 into t plus 6t, 6 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, जैसे आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था ना dy / dx, वो 1 आया था, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस्टेंट अकेला है, अकेला देखते ही मान दो 0, कॉस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आंसर आया आपके पास 10 into t plus 6 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, 10t plus 6। एक्चुअल में आपसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछी है t equals to 2 सेकंड पे, तो हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी आई है ना इन टर्म्स ऑफ t, उसमें t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर लेंगे, आपका आंसर आ गया 8t equals to 2 सेकंड, वेलोसिटी हो गई 10 multiply 2 plus 6 मीटर पर सेकंड, 20 plus 6 26 मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर। तो आपने डिफरेंशिएशन का यूज, या मतलब डिफरेंशिएशन को हम कैसे फिजिक्स में यूज करेंगे, कैसे काम आएगा, वो देखो धीरे धीरे अपन पहुंचेंगे, फिजिक्स में भी चले जाएंगे। तो आपने कुछ फॉर्मूले लिखे वो समझ में आ गए, डिफरेंशिएशन वाले कुछ फॉर्मूले जो आपने लिखे वो क्लियर हुए, ठीक है ना। और क्वेश्चन करते हैं अपन, ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन, हमने आज a की फॉर्मूला लिखा x की पावर n वाला, और उसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसलिए कराए कि ये सब क्वेश्चन जो है ना वो काम आएंगे फिजिक्स में, कहीं ना कहीं आपको ऐसे डिफरेंशिएशन करना होगा, कहीं ना कहीं आपको इस तरह से डिफरेंशिएशन करना होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो 12th क्लास की फिजिक्स में क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम पर। देखो एक कंडक्टर है, कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो गिवन, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, q इक्वल्स टू 6 t cube plus 5t square plus 2t plus 6 coulomb, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, 10th क्लास में डिस्कस किया होगा चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो आपका चार्ज गिवन है इन टर्म्स ऑफ t 6t cube plus 5t square plus 2t plus 6 coulomb, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर 8 इंस्टेंट t equals to 1 सेकंड। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन केवल था चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज q इक्वल्स टू दिस, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर 8t इक्वल्स टू 1 सेकंड, एक सेकंड में उससे कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से सुना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, i का फॉर्मूला लिखा जाएगा dq ओवर dt, i इक्वल्स टू dq ओवर dt, ठीक है सर, सब ऑन है, ध्यान से देखो q
क्यू का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्चुअल में क्यू की मेरे पास ये वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें टी इक्वल टू वन सेकेंड पुट कर देंगे। डी ओवर डी टी क्यू एक बार पुट कर लेता हूँ, 62 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, वही पुराना कॉन्सेप्ट, सारे फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। अब देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, I equals to, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा, सबको सेपरेट लिखने के बजाय मैं इसका डिफरेंशिएशन पूछूं। 6 as it is constant, t क्यूब का कितना होगा मल्टीप्लाई 3t स्क्वायर, पावर पहले आ गई, पावर एक कम होगी, प्लस 5t स्क्वायर का 5 as it is constant, t स्क्वायर का 2t, सीखा था अभी, प्लस 2t का कितना होगा 2, t का t के रिस्पेक्ट में 1, और 6 constant है उसका कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास आंसर आ गया I equals to 6 मल्टीप्लाई 3 18t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 2 एम्पियर, यूनिट ऑफ आई इज एम्पियर। और अब आपसे करंट की वैल्यू पूछिए t इक्वल टू 1 सेकंड पे, 8t इक्वल टू 1 सेकंड आपकी जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस इक्वेशन में t की जगह 1 पुट कर दो, 18 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 एम्पियर, सिंपलीफाई करो, 18 into 1 square, 18 plus 10, 28 plus 2, 30 ampere. Then, t equals to 1 second, आपकी जो current होगी, वो कितनी होगी बेटा? 30 ampere. इस तरह से हम conductor से current find out कर लेंगे। क्या आपको x to the power n वाला formula बार-बार use करना होगा पूरी physics में? बहुत जगह काम आएगा। इसलिए सबसे important formula यही है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन यही सबसे ज्यादा यूज होगा, इसलिए आपको पूरी फिजिक्स में ये फॉर्मूला काम में लेना है, बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।